छठ पूजा कार्तिक मास में होती है। ये छठ पूजा हमारे फैमिली के लिए सुख शांति के लिए करते हैं। ये हमें मतलब समझिए कि तीन चार दिन की त्यौहार होती है, नहा खाना, उसके बाद एक छोटी वाली छठ होती है, एक बड़ी छठ होती है, जिस दिन हम शाम को आते हैं जो जल देने, सूर्य को जल देने के लिए आते हैं, और शाम को भी जल देते हैं, सूर्य भगवान को रख देते हैं, और सुबह भी रख देते हैं सूर्य भगवान को। सबके लिए होती है, ये नहीं है बच्चों के लिए हो या माँ बाप हो, हस्बैंड के लिए, सबके लिए है, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, बच्चे वगैरह, सबके लिए की जाती है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ। यहाँ पे हमारी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारी छठ पर्व होती है, और सबसे अर्धा आश्रय है कि हमने डूबते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य का प्रणाम करते हैं, और पूरे समाज हमारी करती है, और पूरे एक खुशहाली के लिए करते हैं। हमारा पूरा हिंदुस्तान, हमारे देश के लोग बहुत खुशहाल रहे। और व्रत बेटे के लिए की जाती है, पुत्र के लिए की जाती है, सुहाग की, मतलब सबसे ज्यादा ये पुत्र के लिए की जाती है।